दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि आप भी YouTube पर गेमिंग वीडियो बना करके इसी तरीके से YouTube पर अपलोड कर पाए, लेकिन आपके पास अच्छा डिवाइस नहीं है तो आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप एकदम सही जगह आए हैं। वीडियो को पूरी देख करके जरूर जाइएगा, समझ जाएंगे सब कुछ। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज उतरे थे जॉर्जियो पोल पर, और उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि यार, इस वाले गेम प्ले में शायद मैं अपना माइक बंद करना भूल गया था, या फिर ये BGMI का ग्लिच है, मुझे जरूर कमेंट में बताना। तो यहाँ पर थोड़ी सी डबल डबल वॉइस आपको सुनाई दे सकती है, खैर ये इतनी ज्यादा अनोइंग नहीं है, तो यार गेम प्ले को जरूर एंजॉय करना। अब यहाँ पर नीचे उतरने के बाद मेरे को बैरल मिल जाती है और M416, और आगे की तरफ कुछ बंदे दिखते हैं। फायर देता हूँ इनको ताकि मैं इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकूँ, और उसके बाद यहाँ से भाई पीछे की तरफ से घूम के जाता हूँ, और फिर वहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करके देखता हूँ कि भाई कहाँ गए, कहीं भाग तो नहीं गए। और फिर एक बंदा मेरे पास आता है। अब ये सपनों का सौदागर पता नहीं आगे देख के कहीं भाग रहा था, और भाई मुझे हिलने की जरूरत नहीं पड़ी, बस घूमा और यहाँ पर इसको नॉकआउट कर दिया। लेकिन पेटी नहीं बनाई क्योंकि मुझे पता था इसका दूसरा भी बंदा आएगा, जो कि आता है। अब देखो, अब मैं आगे जाता हूँ और ये भी कंफ्यूजन में जी रहा होता है। वक्त है पेटी का। अब दूसरे वाला सोच रहा था भाग जाएगा, अबे कहाँ भागेगा। अब इसकी पेटी बना दी। अब इनके बाकी के जो दो बंदे बचे थे उन्होंने भाई दो नंबर को पकड़ लिया और उसको नॉकआउट कर दिया, और जब तक मैं पहुंचता हूं उसकी पेटी बन जाती है। तो उसके बाद भाई मुझे एक बंदा दिखता है उसमें से, पहले फायर देता हूं, टीन के अंदर घुस जाता है और उसके बाद वापस निकलता और पता नहीं पीछे कहां भाग लेता है। तो यहां पर एक बॉट दिखता है तो पहले इसको लपेटते हैं। अब सीन ये होता है कि बंदा तो एक दिखाता है लेकिन असल में ये दो होते हैं, और ये बंदा भाई घूम करके ना वापस इस टीन के अंदर जाके छुप जाता है, और भाई इसकी गन मुझे ग्लिच से दिख जाती है, तो मैं तो समझ जाता हूँ ये अंदर है। और उसके बाद क्या होता है चलिए देखते हैं। एक गया और दूसरा देखो। अब ये एक नंबर के कैंपिंग बास बंदे थे, और मैं आंख बंद करके बता सकता हूँ कि ये वही बंदा है जो कि खाली छुप करके पीठ पीछे वार कर सकते हैं या फिर सांप बन सकते हैं। और भाई मैं आंख बंद करके बता सकता हूँ कि दो नंबर की भी इन्होंने ऐसी पेटी बनाई होगी। खैर हम क्या करें, इसके बाद हम यहाँ से बग्गी पकड़ते और आगे निकलते, फिर क्या होता है वो देखो। ठुक गया, अब पेटी बनाएंगे। इसकी पेटी बनाने के बाद अभी एक और दिखता है, इसको नॉकआउट किया। अब मैं यहाँ पर TPP ले रहा होता हूँ क्योंकि आगे बंदा होता है, और फिर गोली पड़ती है। फटाक से अंदर आके फर्स्ट एड लगाता हूँ, और उसके बाद सीधी आग की बोतल लेके भाई सामने वाले कमरे में फेंक देता हूँ जिसमें बंदा था। अब आग की बोतल से बंदा नॉकआउट हो जाता है और उसके यहाँ पर पेटी भी बन जाती है। लेकिन भाई जिस बंदे को मैंने M416 से नॉकआउट किया था वो वापस रिवाइव हो जाता है, और भाई वो किसी बॉट को यहाँ पर मार रहा होता तो मैं उसकी किल चुरा लेता हूँ। अब मुद्दे की बात यह होती है कि ये पूरे के पूरे तीन बंदे होते हैं, और ये आगे वाले घरों पे ना अलग अलग जगह पे पोजीशन लेके बैठे होते हैं, तो भाई मैं आगे जा नहीं सकता था क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं, कैंपिंग डाल के बैठे होते हैं कौन कहाँ पर। तो मैं थोड़ा वेट करता हूँ और भाई फिर इनको मचती है खुजली, और फिर ये मेरे पास आने लगते हैं। तो एक बंदे के ऊपर मैं नेड करने की कोशिश करता हूँ। अब तुम समझ ही गए होगे कि मैं क्यों कह रहा था कि ये लोग अलग अलग जगह पे पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि यार गोली देखो ना कहाँ से पड़ रही है। एक बंदा गलती करता भी यहाँ, और गलती करने का ही तो इंतजार था मुझे। एक और आता है, तो गाइज यहाँ पर भी सीन हो जाते हैं। ये जो मेरी गन होती है ना ये बर्स्ट मोड पे चले जाती है, मुझे पता नहीं लगता, तो मैंने जल्दी से इस बात को नोटिफाई किया और कटाकट कटाकट करके उसकी पेटी बनाई, वरना मेरी पेटी बनते टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। खैर यार, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और यार बेल आइकन को ऑल पे जरूर दबा देना, और कमेंट में यार जो कुछ भी पूछा वो बताना, और यार कैसे लग रही है वीडियो कमेंट में ये भी जरूर लिखना। तो खैर यार, इसके बाद यहाँ से मैं ढूंढ रहा होता हूँ कि बंदों को की कहाँ है कहाँ है, और एक स्क्वाड हाउस पे मुझे गाड़ी लगी हुई देखी जाती। तो फुटस्टेप से मैं समझ गया था कि यहां पर दो बंदे हैं, और उनकी पोजीशन भी मुझे लगभग समझ आ गई थी, तो मैं यहां पर नेट निकालता हूं और सीधा पकाते हुए जाके फेंक देता हूं। अब एक बंदा नॉकआउट हो जाता है तो मैं बाहर आकर के देखता हूं कि भाई क्या सीन चल रहा है, और यहां से मैं एक आग की बोतल फेंक देता हूं, और उसके बाद क्या होता है वो देखो। मौली करी डायरेक्ट ऊपर जाता हूं और देखता हूं कि क्या सीन चल रहा है, लेकिन यहाँ पर गोली चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसकी ऐसी पेटी बन जाती है। और इसके बाद यहाँ पर मैं इनको लूट ही रहा होता हूँ, यहाँ पर एक बॉट भी आते हैं, बॉट की पेटी बनाते हैं, और उसके बाद मैं दोबारा से थोड़ा पेटी में हाथ मार ही रहा होता हूँ कि एक मोटरसाइकिल वाला आ जाता है। अब एक बार को तो लग रहा था निकल जाएगा, लेकिन देखो क्या होता है।
लेकिन पकड़ के पेटी बना ही देते हैं। अब सीन ही आप ये होता है कि मैं बग्गी को लेके यहाँ से निकल ही रहा होता हूँ, तो भाई मेरे ख्याल से शायद इसके और भी बंदे यहाँ पर आ रहे होंगे मेरे से बदला लेने के लिए, क्योंकि मैंने इसके ऊपर पेटी बना दी। तो भाई दो बंदे मोटरसाइकिल पर फिर आते हैं और फिर देखो क्या होता है। अब इनकी पेटी कब बन गई मुझे खुद भी नहीं पता चला। और इनकी सबसे बड़ी ये गलती कि भाई मोटरसाइकिल इतनी तेज स्पीड में थी, और इतनी तेज स्पीड से भाई कौन उतरता है। तो इनको पेटी बनाना जो है मेरे को बहुत ही इजी हो गया था, तो इनकी पेटी बना दी और इसके बाद यहाँ से बग्गी को पकड़ के मैं जा ही रहा होता हूँ। और जहाँ पर तीन नंबर होता है मैं वहीं पर जा रहा होता हूँ कि मुझे एक बग्गी वाला उतरते हुए दिख जाता है। अब तुमने ध्यान से देखा होगा तो तुम्हें भी वो दिख ही गया होगा, लेफ्ट साइड की तरफ था वो। तो अगर नहीं दिखा तो दोबारा से वीडियो यहाँ पर रिवाइंड करके देख सकते हो। खैर यहाँ पर मैं नेड करने की कोशिश करता हूँ, तो खैर यहाँ पर नेड का आइडिया फ्लॉप हो जाता है क्योंकि नेड वहाँ तक पहुँचता नहीं है। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा फ्लैंक मारने की सोचता हूँ, तो मैं घूम के जा ही रहा होता हूँ, तो देखो भाई साहब आखिरकार बैठे तो बैठे कहाँ होते हैं। आराम से इसकी पेटी बना देते हैं और उसके बाद इसको लूटते हैं। लूटने के बाद भाई आगे की तरफ ड्रॉप गिरा होता है, तो मैं ड्रॉप में जाके ग्रोजा को ले लेता हूँ। ड्रॉप में ग्रोजा मिल जाती है मुझे, और उसके बाद तीन नंबर को बग्गी में बैठा करके मैं बंदों की तलाश में इधर उधर घुमा ही रहता हूँ कि दो बंदे हमें बग्गी में देख ही जाते हैं। मेरा रैंडम टीममेट फायरिंग देता रहता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। मैं सीधा गाड़ी से उतरता हूँ और भाई दोनों के यहाँ पर पेटी डाल देता हूँ। अब वो उनको लूटने चले जाता है, लेकिन इतने में मुझे एक और गाड़ी दिख जाती है, तो मैं तो सीधा बग्गी में बैठता हूँ और भाई गाड़ी वालों का पीछा करता हूँ क्योंकि मुझे तो चाहिए थे किल। सीधा उतरा, नॉकआउट किया, और यह शायद उन्हीं का बंदा होगा जिनकी मैंने अभी पेटी बनाई थी। खैर इसकी भी यहाँ पर पेटी बनाते हैं। अब इन सबको लूटते हैं। लूटने के बाद भाई मैं सीधा तीन नंबर को गाड़ी में लेने के बाद घूम ही रहा होता हूँ इधर उधर कि फिर उसके बाद गोली चलने की आवाज़ आती है। गाड़ी को किनारे लगाता हूँ, अंदर जाता हूँ और फिर इनको मस्ती के तौर पे उकसाता हूँ ताकि भाई ये मेरे पास खींचे चले आए। और ये मस्ती करने के बाद 5-10 सेकंड के बाद की हालत कुछ इस तरीके की थी। गाड़ी लेके बंदे आ जाते और ये पूरे के पूरे चार होते भाई। अब एक को तो पकड़ लेता हूं, बाकी सबको ढूंढता हूं और यहां पर मरते मरते भी बचता हूं, देखना कैसे। अंदाजा लगा रहा था बंदे की तरह, आगे देखो। अब पेटी बनते बनते बचती है और जैसे तैसे इस टीन के डब्बे में घुसता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा बूस्ट अप का गेम चलता है और फिर सीधा बंदा अंदर ही घुस जाता है। तो फिर से मरता मरता बचता हूँ और यहाँ पर जल्दी से बूस्ट अप लगाता हूँ। तीन नंबर का यहाँ पर बदला भी लेना है क्योंकि रैंडम है, तो क्या हुआ यार, वो भी अच्छा खेला था, उसका बदला लेना पड़ेगा। खैर इस वाले बंदे को यहाँ पर चारा बना के छोड़ देता हूँ, आगे देखो। अब दरवाजे पे फुल प्री फायर देता हूँ कि अगर बंदा आ जाए तो वो प्री फायर के चपेटे में आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पर जूस पी करके थोड़ा सा बूस्ट अप लगाते हैं और उसके बाद आगे जाता हूँ और फिर देखो क्या होता है। डैमेज दिया। अब हर जगह प्री फायर देता हूँ कि ग्रोसा के चपेटे में जहाँ है वहीं इसकी पेटी बन जाए। अब इतने में मुझे यहाँ पर दो फुटस्टेप एक होते हुए दिखता, तो मैं समझ जाता हूँ रिवाइव शिवाइव का गेम चल रहा कहीं। एकदम सही होता हूँ मैं, यहाँ पर इनका रिवाइव शिवाइव का गेम चल रहा होता, तो यहाँ पर इनके पेटी बना देते हैं, स्क्वाड वाइप हो जाती है, तीन नंबर का बदला पूरा हो जाता है। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। और इसके बाद यहाँ से मैं गाड़ी को लेकर के निकल जाता हूँ बंदों को आइडेंटिफाई करने के लिए, और देखो फिर यहाँ पर क्या होता है। अब अच्छी बात थी कि मुझे यहाँ पर एक और गाड़ी मिल जाती है, तो मैं गाड़ी में बैठता हूँ और उसके बाद देखो आगे क्या होता है। खैर मैं गाड़ी से उतरता हूँ, आगे जाता हूँ और उसके बाद बंदे दिखते हैं, डैमेज देता हूँ। अब थोड़ा सा डैमेज दिया, ऊंची जगह जाने की सोचता हूँ ताकि सब साफ देख सकूँ कि इतने में क्या होता है। चलो देखो, अब ये MK14 वाला बंदा ना आगे जाके बहुत दिक्कत देने वाला है, फिलहाल के लिए आगे बंदा दिखता है। अब ये तीनों बंदा शायद मेरे ख्याल से एक ही टीम के थे। खैर यहाँ पर फिर से डैमेज दिया, लेकिन इसके बाद एक और बंदा दिखता है लेटा हुआ, और इसके बाद देखो क्या होता है। इस बार डैमेज नहीं दूंगा।
इस बार सीधा पकड़ के नॉकआउट किया और उसके बाद सीधा गाड़ी को पकड़ के वहां पर पहुंच गया, लेकिन जब तक बंदा रिवाइव हो चुका था। आगे देखो, जैसे तैसे करके दोनों को नॉकआउट किया और उसके बाद यहां पर ऊपर वाले की पेटी बनाता हूं पहले। अब एक पट्टी लपेटता हूं और उसके बाद सीधा दूसरे वाले की भी पेटी बना देता हूं। अब आखिरी का जो बंदा होता है, जो कि MK14 और MG3 दोनों चला रहा है, मुझे लगता है वो मेरे नाक के सीध में, तो मैं नेड करता हूं। तो नेट से तो कुछ नहीं होता और उसके बाद आगे की तरफ एक भूसे का ढेर होता है, तो मैंने उसको उसी के पीछे देखा था, तो मुझे लगता है वो वहीं पर होगा। तो मैं आगे की तरफ एक स्मोक की वॉल बनाता हूँ और उसके बाद यहाँ पर एक नेट करने की सोचता हूँ, और यहाँ पर देखो फिर क्या चमत्कार हो जाता है। तो ये गया मैं आगे और 1 2 3। अब ये चमत्कार मेरे साथ नहीं, उसके साथ होना था, क्योंकि यहाँ पर मेरी पेटी बन गई। अब यार यहाँ पर इतने सारे किल करने के बाद ऐसा हो जाए ना, तो थोड़ा तो दुखता है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं यार। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चला कि वो बंदा फ्लैंक मार के वहाँ कब पहुँच गया, लेकिन अब जो है ठीक है। और भाई एक अच्छा खेलने नाम की चीज़ भी होती है, तो मैं कैसा खेला यार तुम मुझे कॉमेंट में बता ही देना। और यहाँ पर चलो अब तुम्हारे काम की बात करते हैं। तो तुम्हारे काम की बात ये है कि अगर तुम्हें गेम प्ले बनाना पसंद है लेकिन तुम्हारा डिवाइस लैग करता है, हैंग करता है, या फिर तुम्हारे पास कोई डिवाइस ही नहीं है, तो चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे मैं हूं। क्योंकि मैं जो भी गेम प्ले करता हूं उसकी फुल वीडियो के रिकॉर्डिंग की लिंक अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, जहां पर आप जाकर के उस लिंक पर क्लिक करिए, उस वीडियो को जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं फुल वीडियो को, और उसको अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं, वॉइस ओवर कर सकते हैं, और एज अ कॉन्टेंट अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हैं। आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो हमारे इंस्टाग्राम पर आकर के आप पूछ सकते हैं। तो यार अब मेरा यहां पर क्या ही काम। तो कुल मिलाकर के आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। टाटा, सायोनारा, बाय बाय।